मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Big announcement there by Prime Minister Narendra Modi as the African Union formally enters the G20 as a permanent member. One earth, one family, one future. और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकॉनमी का होगा। I am very confident that India will be the leader of the global south. आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की पावर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। बल्कि मैं हैरान हूं जो नंबर्स मैंने देखे, मैं तैयारी की हुई जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ घड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 130,000 सिक्योरिटी के लोग जो है वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग, इंडिया हैज प्रूवन देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इस चीज के लिए साबित किया है कि वो इस चीज के लिए कैपेबल हैं। हम लोग तो आइसोलेट होके रह गए हैं, ठीक है ना। अभी मैं देख रहा था, बल्कि मैं मेरा जो पीछे से भारतीय गाने जो हैं वो सुनाई दे रहे थे जब इस्तकबाल के लिए, तो बड़ी बात है। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं देख रहा था, बल्कि मैं मेरा जो पीछे से भारतीय गाने जो हैं वो सुनाई दे रहे थे जब इस्तकबाल के लिए, तो बड़ी बात है। बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी कहमा कहमी है, बल्कि मैं हैरान हूं जो नंबर्स मैंने देखे, मैं तैयारी की हुई है जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ घड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 130,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग, मैं जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। बल्कि इसके अंदर जो है कई पॉलिटिकल गेम्स भी जारी हैं। मोदी साहब जो है वो जकार्ता गए कल 9 घंटों के लिए, सुबह 8 से लेकर 6:30 बजे तक 2 उन्होंने वहां पे कॉन्फ्रेंसेज सेट जाके मिले और उन्होंने टोन सेट की इस G20 के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफी पॉलिटिकल टर्मोइल भी मौजूद है चाइना और रशिया और वेस्ट की तरफ से। उन्होंने मैरीटाइम समिट भी जाके अटेंड की और आसियान को भी अटेंड किया और खासकर उन्होंने वहां पे जाके साउथ चाइना सी को एड्रेस किया, जो कि चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है और जो खासकर उन्होंने वहां पे मैरीटाइम लॉज रूल्स उनके बारे में बात की। मेरे ख्याल में मोदी साहब वहां पे गए थे थोड़ा अमेरिका को खुश करने के लिए, और मेरे ख्याल में ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि ये अमेरिका चाहता था कि थोड़ा सा चाइना को दबाया जाए मैरीटाइम लॉज के हवाले से और जो नेविगेशन के हवाले से और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से ईस्ट और ईस्ट जो एशिया समिट है जिसके पहले 16 मेंबर थे, अब 18 मेंबर है उसके। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब हैज डन अ वेरी सक्सेसफुल वर्क देयर इन जकार्ता और केम बैक। अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। जो टोन बड़ी अच्छी सेट उन्होंने की है इसका, जो खासकर मोदी जी ने जो वहां पे स्पीचेस दी हैं उन्होंने उसमें कहा कि 21st सेंचुरी इज द एशिया सेंचुरी और हम आफ्टर कोविड जो है इसके इसके ग्लोबल साउथ के हवाले से हम ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो उसमें चाइना के प्रीमियर जो आए हैं उन्होंने आके उन्होंने भी उसका रिबटल किया और उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट बिकम द पार्टी इन दिस न्यू ब्लॉक, नो डोंट जॉइन एनी ब्लॉक, ब्लॉक का हिस्सा ना बने, उन्होंने भी उसको रिबट किया। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो G20 है उसका क्या होता है। एक तो यहाँ पे आपके सुनने वालों में 9 सितंबर से शुरू हो रही है और इसका जो इसका स्लोगन जो है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकॉनमी का होगा और जो वेस्ट एजेंडा लेके जा रहा है, बल्कि उन्होंने इस पे बातें भी शुरू कर दी हैं, वो एजेंडा यूक्रेन के बारे में लेके जा रहे हैं और इंडिया भारत जो है उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस में करनी चाहिए, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो वो चाहते हैं कि इसमें बजाय यूक्रेन और ताइवान और दूसरे जो हैं उन पर टाइम जाया किया जाए, वी नीड टू फोकस ऑन ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट स्टेबिलिटी और नीड्स फॉर डेवलपमेंट। तो ये एजेंडा है इसका G20 का। देखें प्रेसिडेंट शी पिंग जो है वो नहीं आए वहां पे इसके G20 की समय को, जो जहां जो प्रेडिक्शन की जा रही है शी पिंग के हवाले से कि उनकी सीनियर लीडरशिप जो है उनको इत्माद नहीं है शी पिंग पे, और मे बी ये भी सुना जा रहा है कि पिछले दिनों जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी के जो एल्डर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, खुफिया मीटिंग हुई है, और जिसमें उन्होंने अपने अदम एतमाद का इजहार किया शी पिंग के ऊपर। इस वक्त चाइना इज सफरिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, रियल स्टेट के क्राइसिस हैं। कोविड के बाद चाइनीज इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकी, उन्होंने कई दफा इंटरनेशनल बिलियनर्स को बुला के उनसे सजेशन लेने की कोशिश की,
जो सप्लाई चेन था अभी तक पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहले उन्होंने सारे अपने एग्स चाइना की बास्केट में डाल दिए थे, वो स्लोली ग्रेजुअली वहां से अपना बिजनेस वाइंड अप करके वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में लेके जा रहे हैं, विच इज अ सेट बैक टू चाइना। अब देखें आने वाले दिनों में किस तरह इसको सपोर्ट मिलती है, क्या होता है, लेकिन द पीरियड इज वेरी सेंसिटिव पीरियड। भारत जो है वो इकोनॉमिक अपने और पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी में इज दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो मैं अपने मुल्क की तो बात नहीं करना चाहता, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है उसमें, देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया, देखा जाए तो अगर वो ज्यादा है कंपैरिजन, लेकिन हमारा मुल्क भी इज सफरिंग बिग टाइम, ब्लीडिंग हो रही है, आपने आपको पता ही होगा चित्राल में, तोरखम में जो हो रहा है वहां पे, और उसमें सर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे ये टीटीपी को चित्राल में और दूसरी जगह पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? बार बार यही बताया जा रहा है कि कई गांव जो हैं या कई विलेजेस जो हैं वो उस पे वो लोग पहुंच चुके हैं, कब्जा कर लिया है, इसी किस्म की न्यूज आ रही है, तो ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? उसकी कंट्रोल इस वजह से नहीं हो रहा है कि पिछले 3.5 साल में इमरान खान पीरियड में पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्हें 3.5 साल